नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पलवान की एक लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पलवान की जो वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं था, तो दोस्तों पलवान अब फिर से वापस आ रही है। तो दोस्तों, सच बात तो ये है कि अभी तक जितने भी लीडर्स लोग थे, कोई ये कोशिश कर ही नहीं रहे थे और ना आई आज भी कर रहे हैं कोशिश कि कम से कम गरीब लोगों का फंसा हुआ पैसा वापस निकल सके। और दोस्तों, अगर लीडर्स लोग चाहते तो इस बात को सिस्टम तक कब के पहुंचा चुके होते, लेकिन दोस्तों लीडर्स लोग खुद ही नहीं सोचते थे। दोस्तों, लीडर्स लोगों के पास जब कोई जूनियर्स कोई भी लोग अगर उनसे यह जानकारी चाहता कि हमें हमारा पैसा कैसे निकलेगा, तो दोस्तों जो बड़े लीडर्स लोग थे वो क्या सलाह दिया करते थे, बस यही सलाह दिया करते थे कि आप लोग सीड फंडिंग कीजिए, अपना टोकन फार्मिंग कीजिए, उसी से आपको आपका जो डीपी जो फंसा हुआ है वो आपका निकलेगा इससे। लेकिन दोस्तों, ये कोई नहीं सही तरीका नहीं कोई जानकारी दिया कि किस तरह से हमारा डीपी निकलेगा। दोस्तों, ये भी नहीं किसी को कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म जानकारी दिया कि किस तरह से हमारा डीपी कन्वर्ट होगा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि पलवान जो है उसकी वेबसाइट अलग है और ये जो पीवीसी मेटा का जो वेबसाइट चल रहा है ये वेबसाइट सबसे अलग है। तो दोस्तों, इसमें कोई मेल इसका पलवान का और पीवीसी मेटा का कोई मेल खाने का कोई चांस ही नहीं है कि दोस्तों पलवान का पैसा आप पीवीसी मेटा पर कन्वर्ट करके निकाल सकें, इसका कोई चांस ही नहीं है। बस दोस्तों, जितने भी लीडर्स लोग हैं उनके जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बस अपना फ़ायदा देखते हैं, ये नहीं देखते कि गरीब लोगों का पैसा फंस गया है तो उसका पैसा कैसे निकाला जाए। वो ये नहीं सोचते, वो बस ये सोचते हैं कि सीड फंडिंग करवा दें, अपनी आईडीपी करवा दें, हमें हमारा लाभ मिल जाए। तो ये लीडर्स लोग अगर कोशिश करते हैं तो इन लीडरों के सहारे जैसे जैसे ये पलवान का टीम बढ़ा था उसी प्रकार से सीढ़ी भाई सीढ़ी को भी अगर आवाज़ उठती तो लीडर्स लोग उठाते तो कहीं ना कहीं सिस्टम के पास था कि आवाज़ उठकर पहुंचती। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये जो पलवान की जो एप्लीकेशन जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट चलाने के लिए भी कुछ खर्च पे करना होता है। तो दोस्तों, इसका जब तक पैसा इसका पे किया गया था तब तक बराबर चलती रही, और जब इसका पैसा नहीं पे किया गया, जब अपडेट नहीं किया गया, तभी ये पलवान की वेबसाइट डायरेक्ट बंद कर दिया, ये क्रोम भी इसको स्टॉप कर दिया और प्ले स्टोर भी इसको स्टॉप कर दिया। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को ना प्ले स्टोर में पलवान की वेबसाइट मिल रही थी और ना ही आपको क्रोम ब्राउज़र पर मिल रहा था। क्रोम ब्राउज़र पर जो भी मिल रहा था, आप लोगों को कोई सच की जानकारी मिल ही नहीं रही थी। और दोस्तों, पलवान सिस्टम बंद नहीं हुआ था, पलवान का सिर्फ वेबसाइट स्टॉप कर दिया गया था, सिर्फ इसका खर्च पे ना करने को। दोस्तों, मैं आप लोगों को ही बता दूं, मैं अभी एक एप्लीकेशन फुल एचडी कैमरा का स्वयं मैं अपने एक एप्लीकेशन बनाया। उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद जब मैं सोचा कि इसको मैं प्ले स्टोर में इसको अपलोड कर दूं और पब्लिश कर दूं ताकि पब्लिश में जाए, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब लोग इसको यूज करते हैं तो उसका भी खर्च हमें पैसा मिलता है इसका। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जब ये अपना पलवान की वेबसाइट जब प्ले स्टोर पर क्रोम ब्राउज़र पर जैसे ही इसने अपलोड किया था पब्लिश किया था तो इसका पैसा पे किया था, एक दो बार इसका पैसा पे किया है। और जब इसको जब नोटिफिकेशन मिला कि आप इसका पेमेंट फिर से आप इसको कीजिए, अपना इसको फिर से अपडेट कीजिए नहीं तो आपका एप्लीकेशन रोक दिया जाएगा, तो एक दो बार तो इसने अपडेट कर दिया था। उसके बाद फिर जब इसने अपडेट लास्ट में जब नहीं किया तभी इसको प्ले स्टोर ने और क्रोम ब्राउज़र इसको रोक दिया था, जबकि दोस्तों अभी भी वो बंद नहीं है। कोई सोच रहा है कि पलवान भाग गई है, भागी नहीं है, आज भी वो बरकरार है। जबकि दोस्तों, पलवान ने फिर से अपना नोटिफिकेशन दे दिया है कि फिर से वापस पलवान आ रही है नए लुक के साथ, नए अंदाज के साथ। और दोस्तों, अब ये क्या नया अंदाज लेके आ रही है, क्या नया सिस्टम लेके आ रहा है दोस्तों, इसको कोई नहीं जानता है और कब तक आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पलवान अब फिर से वापस आ रही है, 100% आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हर किसी का पलवान का पैसा निकलेगा, जहां तक जानकारी दोस्तों मुझे मिली है वहां तक मैं आप लोगों को भी जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों, जो मुझे जानकारी रियल की मिलती है वही मैं जानकारी आप लोगों तक देता हूं। और दोस्तों, मैं कोई फेक कोई बनावटी बातें आप लोगों को नहीं बताता हूं। और दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई भी लीडर्स अगर ये कहे कि आप अपने चल के आप सीट फंडिंग कर लीजिए पीसी मेटा पर 50 BSD से 100 BSD से, दोस्तों सिर्फ उसमें आप लोगों का पैसा फंस जाएगा, जबकि आपका पलवान का पैसा उससे निकलेगा नहीं। जो आप लोगों का पैसा पलवान में जो लगा है, जो फंसा, वही आपका पैसा निकल आए, वही पर्याप्त है। अगर आप उधर के निकालने के चक्कर में आप इधर भी आप पैसा फंसा देंगे तो ना उधर का निकलेगा ना इधर ही निकल पाए। दोस्तों, इधर जो पी वी सी मेटा जो फंस गया वो आज तक कभी निकल नहीं पाया है। आज भी पी वी सी मेटा का हाल आप लोग जान रहे होंगे कि किस स्थिति में चल रही है। ना जाने कितने लोग अपना
डॉलर अपना पीवीसी मेटा टोकन कितना भी उनका रखा हुआ, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इसका रेट बढ़ जाए तो हम इसको विड्रॉल कर लें, अपना पैसा इसके यहाँ से निकाल लें। लेकिन दोस्तों उसकी नौबत आज भी नहीं आ रही है और इसकी भी नौबत ना जाने कब आएगी कब नहीं आएगी, इसका इसके कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो जानकारी देना चाहता था, शेयर करना चाहता था आप लोगों तक कि दोस्तों आप लोगों को अपना पर्लवाइन का पैसा निकालने के लिए सिर्फ इंतजार करना है और आप लोगों को अपना पैसा किसी के बतावे के अनुसार आप लोगों को पैसा अपना और दोबारा नहीं फंसाना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही तक, आप लोगों से अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।